अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। दोस्तों आज जो है ना ये टायर पंचर हो गया साइकिल का, तो इसका जो आज हम पंचर लगाएंगे। पंचर तो खैर नहीं, इसका ट्यूब हम लोग नहीं चेंज करेंगे। मैंने ट्यूब ऐसे पहले से लेके आया हूँ, चलो तो इसको खोलते हैं और ट्यूब चेंज करते हैं। कुछ था नहीं हमारे पास खोलने के लिए, तो ये कुंडी को हमने ये उधार बनाया। देखते हैं इससे हो सकता है, नहीं होगा फिर हमको डालना पड़ेगा। सही इस तरीके से हम पूरी साइकिल का जो है ना ट्यूब को बाहर निकालने सबसे पहले। दोस्तों आप लोग वीडियो तो देख लेते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया करो। इसके बाद ये ट्यूब इसको निकाल देते हैं। निकाल दिए विद द हेल्प ऑफ ये कुंडी की मदद से निकाला है। और ये जो है दोस्तों इसको मैंने चेक पहले पिंचर वाले से भी करवाया था, तो इसमें तकरीबन जो है 6 टांके लगे हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं करीब से, ये देखें इस जगह से ना ये सारा फटा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये देखो यहाँ से ये सारा फटा हुआ है, तो इसलिए मैंने नई ट्यूब लेके आया हूँ। तो नई ट्यूब लगाते हैं, पुरानी ट्यूब जो है किसी और काम आ जाएंगी, खैर अभी तो लगने के काबिल नहीं है। ये देखें ये नई ट्यूब लाई है दोस्तों, अब इसको लगाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बिल्कुल ये ओके ट्यूब है, न्यू है बिल्कुल। इसको लगाते हैं, हम इसको लगा देते हैं। ये लगा दिए, अभी ट्यूब को सबसे पहले अंदर डाल दीजिए। बहुत ईजी है, आप लोग घर में टायर जो है ट्यूब वगैरह खुद चेंज कर लिया करें, तो ये आपकी थोड़ी बहुत बचत हो जाएंगी। ये आप जाएंगे पिंचर वाले के पास लगवाने के लिए तो वो खामा खा आपसे 150-200 रुपये ले लेगा, एटलीस्ट 100 तो ले ही लेगा। तो काइंडली ये खुद करे काम। देखें ये हो गया, दोनों साइड से ट्यूब लग गई है। अभी जो है ना पंप भी मैं लेके आया, मुझे पता था कि पंप के लिए तो फिर कहीं जाना पड़ेगा, ख्वार होना पड़ेगा, तो मैं पंप लेके आया। सबसे पहले ना इसके अंदर थोड़ा सा ट्यूब को बाहर निकाल देते हैं, उसके हवा भर के चेक करते हैं कि कैसे काम करते हैं। ये जो इस पंप में दोनों, एक साइकिल वाला भी मोटरसाइकिल, आजकल जो जो है साइकिलों में मोटरसाइकिल वाली जो है ट्यूब लगती है, तो इसलिए मैं मोटरसाइकिल वाली लेके आया। इसको फिर हवा भर देते हैं।
मशीन हम लगाने के बाद भर देंगे। और पानी वगैरह से इसको चेक भी कर देते हैं, लीक वगैरह तो नहीं है वाल को, ये लीक होता है तो फिर मसला करते हैं। लीक वगैरह नहीं है, बिल्कुल सही है, सही है। अभी हमने टायर बिल्कुल ओके कर दिए और अब इसको लगाते हैं। ये जो साइड है डिस्क ब्रेक वाला, इस साइड सिंपली जो है ना इसमें हम एक्सल डाल देंगे, वो इसकी नट टाइट कर देंगे। इतना सा काम है दोस्तों, इतने का काम से हम बचने के लिए ना 150-200 रुपये दे के आ जाते हैं। आप लोग अमीर होंगे तो मसला नहीं है, आप लोग दे देना, मैं तो खैर खुद लगाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नहीं तो हमारा पंचर वो कंप्लीट हो गया और टायर भी बिल्कुल ओके। दोस्तों ये पंचर मैंने बिल्कुल लगा दिया, साइकिल बिल्कुल ओके हो गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो देखने का बहुत